सब्सक्राइब करें चैनल टेक्निकल सोनी जी एंड प्रेस ऑन बेल आइकन लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल टेक्निकल सोनी जी। और आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस बाइक को रिपेयर किया जा सकता है। इस बाइक में एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसका स्टेयरिंग को जैसे ही हम टर्न कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पर बंद हो रही है। ये हमारे लिए तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा हमारे इंजीनियर साहब इसको हल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल सोनी जी में। आपके सामने एक बाइक है सीडी डिलक्स। इसमें एक फॉल्ट आया हुआ है, जो दो चार रोज पहले बारिश हो गई थी। बारिश की वजह से पता नहीं क्या फॉल्ट आया। फॉल्ट ये है, अभी इसको यहाँ से मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद मैं इसको स्टार्ट हो गई। अभी देखते जाओ, करंट छोड़ दिया और बंद। फिर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा कि मैं फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक बार, ये स्टार्ट हो गई है। यहाँ से आपको ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, इसमें लाइट आई हुई है। अब देखना, मैं जो इस स्टेयरिंग को धीरे धीरे मोड़ने की कोशिश करूँगा, ये करंट छोड़ दिया और बंद हो गई। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर प्लग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद इसके अंदर किसी वायरिंग में प्रॉब्लम है। इसमें मैं इसको घुमा रहा हूँ, घुमाने के बाद ये बंद हो रही है। फिर से कोशिश करने की कोशिश करते हैं, फिर ये स्टार्ट हो गई है। अब मैं जो ही इसी स्टेयरिंग को घुमाऊंगा, धीरे धीरे देखते जाइए, अभी नहीं हो रही है। देखो ये हो गई। इसका मतलब या तो इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है यहाँ पर, या इसको खोलना पड़ेगा। इसके अंदर कोई ना कोई वायर ऐसा है जो शॉर्ट है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अभी अपन इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, अब इसको खोलते हैं। मेरे पास एक पेचकस है, इस पेचकस के द्वारा से हमारे इंजीनियर साहब ने पूरी मोटरसाइकिल को खोल दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने अभी सीट खोली है, इसके बाद मैंने तेल की टंकी हटाई है। रीजन कि ये जो पूरा वायर है, इस वायर में फॉल्ट हो सकता है। ये जो आपको पूरा वायर दिखाई दे रहा है, इस पूरे वायर में कहीं पर भी फॉल्ट हो सकता है। तो इस फॉल्ट को निकालने के लिए इसके अंदर के वायर अपने को चेक करने पड़ेंगे। ये देखिए,
क्लिप आती है इनको धीरे धीरे अलग कर सकते। मैंने इस वायर के ऊपर का जो कवर है वो अभी हटा दिया है। अभी स्टार्ट करके देखते हैं। कई व्यक्ति सोच रहे होंगे कि अभी स्टार्ट कैसे होगी, इसमें तेल की टंकी तो है ही नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है कार्बोरेटर है। इस कार्बोरेटर में पहले से तेल मौजूद है और स्टार्टिंग के लिए काफ़ी है, काफ़ी देर तक स्टार्ट रह सकती है। कार्बोरेटर में तेल होता है तो देखते हैं किसी वायर में कौन सी वायर में प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख रहे हैं कि इस तार में मुझे प्रॉब्लम लग रही है। इस तार को अपन ने यूं खींचा और खींचते ये बाइक अभी बंद हो गई, तो इस तार को रिप्लेस करके देखते हैं। एक बार आपको दोबारा दिखा रहे हैं कि इस तार में कैसे प्रॉब्लम लग रही है। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ बाइक को। इस तार को रिप्लेस करके देखते हैं अभी। और यहाँ से ये जो दो वायर हैं वो अलग से मैंने उठाए हैं। ये दो वायर हम इसको यहाँ से कट करके और इस वायर को यहाँ से हटा दूंगा। अभी ये जो वायर है वो मैं इसकी जगह पर रिप्लेस करूँगा, इसकी जगह पर। अभी देखते हैं कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। यहाँ से देखिए एक बार, यदि सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जिसकी प्रॉब्लम भी देखते हैं। अभी स्टार्ट करके देखते हैं, स्टार्ट होती ही नहीं होती बाइक। डॉक्टर बिल्कुल सही हो गई है बाइक, कोई फॉल्ट आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि हम छोटी मोटी बाइक्स की प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है और बरसात के मौसम में ऐसी बाइक्स बार बार खराब होती रहती हैं और अपन इस प्रकार से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का एक छोटा सा सोल्यूशन एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे बनाए हुए वीडियोज को आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जो है उस पर अवश्य क्लिक करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों